नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हिंदू नववर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम प्रसारित हुए हैं। विक्रमी संवत 2078 वर्षा के 1941 के उन तीन प्रमुख तथ्यों के बारे में हम बातचीत करेंगे जो कि इस समय पे सबसे ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं। पहला इसके नाम से, दूसरा इसके एक ग्रह को मिलने वाले दो पदों से, तीसरा उन तीन राशियों से संबंधित जानकारी जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगी इस नव वर्ष में और उन्हें क्या उपाय आदि करना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। पहली बात इस हिंदू नववर्ष के नाम से, इस हिंदू नववर्ष का नाम राक्षस है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि वर्ष कैसा रहेगा, तो जैसा बताया गया है कि वर्ष में राक्षसी तामसी चीजों की प्रवृत्ति होगी, आपसी बैर बढ़ेगा और व्यक्ति दुराचरण यानी कि व्यक्ति के जो आचरण में है गिरावट आएगी, गुणों में गिरावट आएगी, वह गलत मार्ग की ओर जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति पहले से इस मार्ग में है, इनसे युक्त है राक्षसी तामसी चीजों से, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी यहाँ पर आ सकता है। और दूसरा, जो व्यक्ति सही है और इस ओर जा सकते हैं तो उन्हें अवश्य ही शिव स्तुति कर लेनी चाहिए और बचाव करना चाहिए, अपने आप में को काबू में रखना चाहिए। पहले तो कहा गया है कि यहाँ पर को बुद्धि भी वश में नहीं रहती है और दूसरा यहाँ पर को मन भी वश में नहीं रहता है। तो बहुत से ज्योतिष तो यह बताते हैं कि यह गुरु और चंद्र के, जैसे मन के कारक चंद्रमा होते हैं और बुद्धि ज्ञान के कारक गुरु होते हैं, तो व्यक्ति को वर्ष में की शुरुआत में हाथी को भरपूर भोजन करा लेना चाहिए। अगर व्यक्ति, क्योंकि कमी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, तो बहुत से ज्योतिषी जैसा कि इसमें बताते हैं राक्षस नामक संवत्सर में या जो नववर्ष में हम कहते हैं नववर्ष नाम कि हाथी को भरपूर मात्रा में भोजन करा लीजिए तो वर्ष में कोई भी किसी प्रकार का दोष आदि को वह कट जाता है। तो फिलहाल जो लोग लगता है कि जिनके घर में कुछ इस तरीके के लोग हैं और वृद्धि हो सकती है, तो उन लोगों ने जरूर ही शिव स्तुति करा देनी चाहिए और नजदीक में हाथी आती है तो अवश्य ही उसे भरपूर भोजन या कुछ न कुछ अवश्य ही दे देना चाहिए। दूसरी बात, इसके जो राजा व मंत्री हैं इस बार मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह को भूमि का भी कारक ग्रह माना गया है, सेनापति भी कहा गया है। तो जैसा कि माना जा रहा है कि वर्ष में युद्ध आपस में बैर की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, दूसरा बीमारियों में वृद्धि आदि होगी, किंतु राजा व मंत्री के मंगल बनने से, मंगल जो कि शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी आएगी, आपसी जो मतभेद आदि है वह दूर होगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं बीमारी आदि में भी मंगल असरकारी होंगे क्योंकि राजा व मंत्री पद दोनों ही मंगल ग्रह के पास है। भूमि खरोत्प्रोक्त प्रॉपर्टी डीलिंग आदि से संबंधित किसान आदि को काफी वर्ष में फायदा रह सकता है, कई मुनाफा वाली स्थिति इनके लिए आ सकती है। दूसरा, सेनापति होने से जो रक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या वहां पर को जो लोग कार्य आदि करते हैं उस क्षेत्र में जो लोग निवास आदि करते हैं, तो उनको भी काफी अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने में आ सकता है मंगल ग्रह के राजा व मंत्री बनने से। तीसरी बात, वह तीन राशियां जो सबसे ज्यादा प्रभावित रह सकती है उसके पीछे कारण, क्योंकि इस वर्ष 13 अप्रैल के दिन हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, और अगले दिन ही सूर्य संक्रांति हो रही है, सूर्य ग्रह मेष राशि में जा रहे हैं यानी कि वैशाख का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर को चंद्र ग्रह मेष राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं उस समय पे, तो मेष राशि में जब चंद्रमा चंद्र ग्रह में रहते हैं तो उस समय माना जाता है कि वृक कन्या व मकर राशि काफी कमजोर रहती है, तो वर्ष में भी वृक कन्या मकर राशि काफी कमजोर मानी जाएगी, विशेष तौर पर वृक राशि पे। वृक राशि पे इस समय पे राहु ग्रह भी विराजमान है, तो वैसे भी वृक राशि कुछ कमजोर है। दूसरा, इसके कुछ नक्षत्र भी थोड़ा सा कुछ कमजोर है, तो यह तो जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाकर वहां पर विचार विमर्श कर उसका दान आदि भी किया जा सकता है। दूसरा, वृक कन्या मकर तीनों राशियों को वर्ष के निमित्त शिव स्तुति अवश्य करवा लेनी चाहिए, किसी न किसी तरह से रुद्राभिषेक पाठ, महामृत्युंजय जप पाठ आदि अवश्य करा लेना चाहिए, और 10 दिन के भीतर करा ले तो ज्यादा बेहतर है। नियमित कुछ समय तक शिव जी को जल अवश्य ही चढ़ाए वृक कन्या मकर राशि वाले। और मंगल ग्रह से संबंधित जो लोग हैं
जो हमने बताया कि राजा व मंत्री पद मंगल ग्रह के पास है, जो सेना आदि से जुड़े हैं, भूमि खरीद फरोख्त आदि से जुड़े, तो उन्हें हनुमान स्तुति अवश्य करा लेनी चाहिए शिव स्तुति के साथ। और जो राक्षस संवत्सर से, ये जो नववर्ष से संबंध नाम से जो हमारा है, इससे प्रभावित जो लोग हैं, जो राक्षसी चीजें हमने बताई है, तो उसके लिए हाथी को भरपूर मात्रा में भोजन, या हाथी को भोजन अगर नजदीक पे है नहीं तो उन्हें भी शिव स्तुति अवश्य ही करा लेनी चाहिए। यानी कि तीनों मिलाकर शिव स्तुति करा लेने से ही आपको जो तीनों इस समय पे सबसे ज्यादा आकर्षण और चर्चा का विषय बने हुए हैं, नाम पद मंगल ग्रह के पास जाने से, और तीसरा वृक कन्या मकर राशि वाले, इन्हें क्योंकि हर घर में कोई ना कोई जातक होता है राशि से संबंधित, और एक को यदि पीड़ा होती है तो सभी को लगभग उससे पीड़ा रहती है, सभी लोग प्रभावित रहते हैं, तो अवश्य ही करा लें किसी अच्छे ज्योतिषी को भी पत्रिका, इस नए संवत्सर, इस नए हिंदू नववर्ष में आप दिखा सकते हैं। तो संक्षिप्त जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आए, आप लोगों के पास भी समय कम रहता है और कम समय में ही अच्छी जानकारी यदि आप लोगों को मिले तो काफी अच्छा रहता है, आप लोगों को भी समझने में आसानी रहती है। तो जानकारी काफी अच्छी है, यदि आप लोगों को पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर भी कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सटीक और संक्षिप्त जानकारी ही देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।